नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। सो फाइनली बिग बॉस में हम देखेंगे फैमिली वीक, और भाई प्रोमो तो बड़ा जबरदस्त है। कृष्णा को बहुत प्राउड है, आरती ने डिग्निटी मेंटेन रखी है। आरती ने अच्छा, ये कॉमेडी इनके खून में बहती ना, शायद कॉमेडी करना है कृष्णा। और सना के पापा जी आके तो भाई उन्होंने तो आग लगा दी है। बेटा तू मेरी कसम खा, तू सिद्धा शुक्ला से रिश्ता आगे ना बढ़ाई, और पारस और उसका घटिया गेम बढ़िया तरीके से वो एक्सपोज करेंगे। और मायरा की मम्मी मसला हो गया क्या, किस्सी विस्सी ले ली तो अच्छा, किस्सी से नहीं, अरे एक्चुअली ये मसला किस्सी का नहीं है, भाई को कैसे बोल दे नल्ला पाओ, मसला हो गया, किस्सी मत करना, बड़ी बातें करती थी ना है? प्यार मोहब्बत, ये लोग अपने बनाए मतलब बातों में खुद ही फंस रहे हैं ये लोग। तो बिग बॉस 13 का ये जो एपिसोड था जहां पर कि आसिम को ऑफिशियली हमने आज देख लिया कि एलीट जो क्लब है उसका वो विनर बन चुका है इस टास्क का। हालांकि ये जो टास्क बिग बॉस ने ऑर्गेनाइज की थी, ये एक्चुअली ऑर्गेनाइज की थी सिडनाज के लिए, तथा कथित सिडनाज के लिए। और ये जो टास्क थी जहां पर कि बिग बॉस के अपने स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपने देखे थे, पहले दिन बोला था कि ये टास्क में जो दो लोग ज्यादा नंबर लाएंगे वो बनेंगे इस टास्क के विजेता। एंड जैसे ही आसिम बन गया विनर, क्योंकि सेडनाज में से नाज तो आ गई, सेड तो रह गया था है? तो आसिम जैसे ही आया वैसे उनका स्टेटमेंट चेंज हो गया कि आप एलीट क्लब के एक कदम और पास पहुंच गए हैं। उसके बाद वीकेंड के बाद में तो आपने देख लिया था सलमान खान का स्टेटमेंट कि सरप्राइजिंगली आसिम जीत गया, और सना ऑफकोर्स आई मीन सना के लिए तो वो बहुत ज्यादा श्योर था कि वो ही जीतेगी। ये जो सलमान खान का स्टेटमेंट था ये कहीं ना कहीं ये एलीट क्लब की पोल खोल गया, क्योंकि इनका ऑलरेडी प्लान था सना को एलीट क्लब में लाने का अलोंग विद सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की कॉमेडी बकवास थी और आसिम काफी अच्छे आउट ऑफ सिलेबस, यू नो ये दे वर प्रिपेयरिंग फॉर सिडनाज एंड आसिम केम आउट ऑफ सिलेबस और क्लीन बोल्ड हो गए। तो ये जो एलीट क्लब की मेंबरशिप मिली है आसिम को, ये कहीं ना कहीं एक बिग बॉस का जो प्री प्लान स्ट्रेटेजी थी, स्क्रिप्टेड जो ड्रामा था वो कहीं ना कहीं फ्लॉप कर दिया आसिम ने। तो कहीं ना कहीं अब चैनल अपनी जो खुलने से वो निकालेगा तो जरूर, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि चैनल कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्विस्ट लेकर के जरूर आएगा, क्योंकि उन्हें एक अपनी जो टॉप प्रायोरिटी में वो सिडनाज को लेकर के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया टेढ़ा ट्विस्ट तो डेफिनेटली वेट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। एंड इस एपिसोड में जिस तरह से टीम फॉर्मेशन वो कुरकुरे वाली टास्क में दिया गया, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, जब टीम फॉर्मेशन थी एक टीम थी जहां पर कि आसिम शुक्ला और रश्मि और सना, पता नहीं क्यों लेकिन ये टॉप फोर, शायद ये टॉप फोर एक साइड में कर दिए और बाकी जो दूसरी टीम थी उधर बॉटम के लोग, और जो दो इंडिपेंडेंट हैं एक एलियन आरती और एक वो पपड़ी वाला, उन दोनों को बना दिया संचालक कि आप लोग रेस में हो ही नहीं तो उधर चले जाओ। आप जरा सोच के देखिएगा इस बात के ऊपर, क्योंकि क्या जरूरत थी कि आसिम के साथ शुक्ला को रखने की या फिर रश्मि को रखने की शुक्ला के साथ सना के साथ। कहीं ना कहीं अब पता नहीं लोग आसिम को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, शायद मेकर्स को लग रहा है कि इस बंदे की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम इसको बहुत कम से कम दिखाते हैं लेकिन इसके बाद भी लोग इसको देखना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्ला को वापस से आसिम के पास लेकर के आ गए, ये उस टेढ़े ट्विस्ट की एक शुरुआत है। वहीं मायरा और पारस को इस एपिसोड में शुक्ला के अगेंस्ट टीम में कर दिया गया, आपने देखा शुक्ला को हार बर्दाश्त नहीं है, और कहीं ना कहीं पारस ने भी ये चीज बोली कि शुक्ला को डिफीट जो है वो पसंद नहीं होती है। मायरा के साथ बैठकर बात कर रहा था, श्रीवाला भी थी, और तो कहीं ना कहीं एक जो दरार है उसको और बड़ा किया जाएगा, क्योंकि शुक्ला आसिम के साथ ही अच्छा लगता था, पारस के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रहा था। सो ये एक अंदाजा मैं समझ रहा हूं कि आने वाले दिनों की जो तैयारी है वो चैनल अभी से उसको शुरुआत करने में लग चुका है, क्योंकि क्या है कि क्रिएटिव टीम जो होती है ना वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब रेडी करके रखती है। उन्होंने शुक्ला के लिए प्लान करके रखा था, शुक्ला जा नहीं पाया तो चलो शुक्ला को अब हम पीछे के रास्ते से लेकर के आएंगे, फेवर पे फेवर तो किए ही हैं। वहीं पारस मायरा तो खूब यूज कर लिया, अब निकालने का समय आ चुका है, तो धीरे धीरे वटा दिया जाएगा। और जो इंडिपेंडेंट है आरती है, ये भी फैमिली वीक वगैरह निपटा, उसके बाद अगले वीक सब देखिए तड़ातड़ मतलब लाइन लगना शुरू हो जाएगी। हाँ, तो इस एपिसोड के स्टार्ट में डिबेट चल रही थी जहां पर कि आसिम की दोस्ती और ट्रस्ट के ऊपर शुक्ला, पारस, मायरा और जरी वाला बड़े बड़े आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और पारस तो ये भी कह रहा है कि ये काम नहीं करता है, जिम वगैरह करता है गुरुदेव, पता नहीं क्यों, लेकिन ये सवाल आपके बाजू में बैठे शुक्ला जी से क्यों नहीं पूछा जाता है,
काम के लिए आपको टाइफाइड हो जाता है लेकिन लड़ने झगड़ने के लिए टाइफाइड नहीं होता। जरीवाला बोलती है कि ट्रस्टवर्दी नहीं, आप आई थी मैडम, आप गई थी उस ग्रुप में और आप ट्रस्ट की बात करती हैं, आप पारस को शुक्ला को पानी पी पी के कोसती थी, आज आप प्यार हग किसके लिए, कल के एपिसोड में तड़प रही थी, आज आप इतनी ज्यादा तड़प रही हो कि वॉशरूम के अंदर चलेगी। ओ वॉशरूम, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, आई थिंक शायद पिछले महीने के आसपास कहा था कि लग रहा है जिस तरह से चिपकम चिपकी चल रही वॉशरूम कांड होगा और इस एपिसोड में कहीं ना कहीं नकली सही एक वॉशरूम कांड तो हो ही गया, जहां पर कि सना की फैंटेसी कि गुलाटे के साथ वॉशरूम में जाए, गौतम गुलाटे के साथ, लेकिन फिलहाल जरीवाला के साथ शुक्ला अंदर वॉशरूम में चला गया और हाय 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 ये क्या हो गया, बदनाम करके रख दिया मैंने, नहीं रहना उसके गुर्दे छिल गए कि जरीवाला के साथ वो अंदर चला कैसे गया। आपने देखा कि जेब में लिपस्टिक रख कर वो लड़की घूमती है और आज तो नया किस करने का, क्या मतलब चीपनेस की हाइट है, अब लिप किस पर बात आ चुकी है और खुद इतनी चिपकम चिपकी करती है और आरती से बोलती है कि तुम लोग कैसे चीप हो यार, लिप किस को स्मूच नहीं होता है, बदनाम कर दिया मैंने, नहीं चीप लोगों की, क्या चीप, खुद चीप हो, तुम्हारे पिताजी आके तुमको कह रहे हैं कि शुक्ला के साथ ज्यादा आगे मत बढ़ो, यही शुक्ला जी, यही तुम्हारे पिताजी शुक्ला को कुछ दिन पहले दामाद नंबर वन का खिताब दे रहे थे, भाई भयंकर लेवल की फ्लिपर फैमिली है ये, एक दिन शुक्ला अच्छा दामाद है, अगले दिन तेरे को मेरी सौ कुड़ी है, शुक्ला नाल अपना रिश्ता आगे ना बढ़ा, ठीक है पंजाब में बहुत बेइज्जती होगी अपनी ऑलरेडी, हाँ ओके पाओ जी तुसी ना जाओ, अच्छा तुसी घर से जाओ, आई टेक केयर। सो तमाम तरह के आर्ग्यूमेंट और हाँ विशाल ने काफी अच्छा स्टैंड लिया, रश्मि ने काफी अच्छा डिफेंड किया और आसिम के सपोर्ट में काफी अच्छे लॉजिक दिए। आरती, आरती एक बात कह रही थी, अच्छा आरती यहाँ पर खड़ी कर दी गई थी सना के डिफेंस में, हालांकि सना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी भी नहीं, वो कह रही थी मैं इस चीज के लिए किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाऊंगी, अब ये भोला बनने का और महान बनने का एक्टिंग था या क्या था। तमाम तरह की बातों के बीच में हिना ने यहाँ पर आसिम को वो एलीट क्लब का जैकेट और एलीट क्लब की जो मेंबरशिप है वो प्रदान की और जाते जाते सना को काफी अच्छा बोल के गई। आपने इसके बाद अंदर आरती का कहीं ना कहीं सना का ब्रेन वॉश करना, पिछले वीक की बात है नॉमिनेशन के टाइम पर सना एक्चुअली आसिम रश्मि या विशाल का सपोर्ट करने के इरादे से नहीं आई थी, वो माहिरा और पारस को कहीं ना कहीं चिढ़ाने के लिए, आरती शुक्ला इन सबको इरिटेट करने के लिए इस साइड आई थी, अपना भी उल्लू सीधा करने आई थी वो, जहां पर कि विशाल को नॉमिनेशन से बचाने का उसने बात किया था, जिस बात का मुद्दा आरती ने यहां बनाया कि वो लोग तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते तो तुम उनके लिए स्टैंड क्यों लेती हो। ओ माय गॉड, ये बात कोई और करे तो फिर समझ भी आता, लेकिन आरती जी आपके मुंह से ये बातें शोभा कतई नहीं देती, क्योंकि शुक्ला ने आज तक आपको एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन आप 24 घंटे शुक्ला के साथ खड़ी रहती हैं, अप्रिशिएट करती हैं उसको, इनफैक्ट आप एक चौकीदार बन जाती हैं, जब शुक्ला और सना बैठे होते हैं तो आप बीच में के खड़ी हो जाती, क्योंकि हम आपके दिल की जज्बात समझ सकते हैं कि बाहर का मेरा दोस्त, बाहर का मेरा एक वुड बी, आपने ख्याली गुलाम में इनका बहुत अच्छे से रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता, यहाँ पर ये छुपाकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा जब भी सना और ये अकेले कोने में रहते हैं आरती की नजर वहीं रहती है, वो चौकीदारी करती है, और ये जो लिप और किस और ये जो लिप किस और ये इस बात हो रही तब भी आरती वहीं पर थी। तो आरती जी आप सना को कह रही हो, सबसे पहले ये चीज आप खुद को देखो, खुद के अंदर देखिए ये चीज, आपको शुक्ला ने कभी अप्रिशिएट नहीं है लेकिन आप फिर भी शुक्ला शुक्ला करती रहती हो, पीछे पीछे भागती रहती हो, तो दूसरों को ज्ञान बाद में दो, पहले ये चीज खुद के ऊपर अमल में लेके आओ। वहीं सना और विशाल का भी काफी देर चलता रहा, जहां पर कि विशाल ने बढ़िया बोलती बंद कर दी कि तेरे को जेलसी वर्ड से नफरत है, मुझे वीक वर्ड से नफरत है। रश्मि ने कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, शायद वीकेंड पर सलमान सुना दे कि सलमान सर जो बोलते हैं बॉटम टू में वो एक्चुअली में नहीं होते हैं, वो मनगढ़ंत होता है। अब इसके ऊपर डेफिनेटली कोई और बोलता तो चलता, बट फिलहाल रश्मि आसिम के साथ है तो डेफिनेटली उसको बैश किया जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है कि रश्मि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे स्टेटमेंट के ऊपर सवाल करो, मुझसे सवाल करने का हक सिर्फ सना का है। आपने मेरे को हर्ट कर दिया, मेरे को बदनाम कर दिया अम्मा, ये चीजें आप एनकरेज करते हो ठीक है, लेकिन सही चीजें आप कभी नहीं बोलते हो। स्प्लिट्स विला चल रहा था एपिसोड के अंदर, कहीं विशाल और मधुरिमा के बीच में शुक्ला की फ्लैटिंग चालू और बाहर जाकर विशाल मधुरिमा का फिर वही, और उधर शुक्ला और सना का तो चलता ही रहता है चिपकना फिपकना। तो ये बिग बॉस अब एक्चुअली में क्या बताया जाए, मतलब कौन बनेगा हवस का बिग बॉस, ये चल रहा है यहाँ पर, कौन है कौन है, कपल कुकुर मुद्दे की तरह निकल आए हैं,
लेकिन ये जो कपल है विशाल और मधुरिमा, जो कि रियल लाइफ कपल है, ये शायद सबक सीखने के या फिर चीजों को समझने के मूड में है नहीं। और मधुरिमा तो शायद उस टाइप की लड़की है जो चीजों को मतलब 1% भी समझने की तैयार नहीं होती है। टॉक टू माई एस, टॉक टू माई ये वो। कल तो वो विशाल को मार भी रही है, विशाल भी गलत है, विशाल भी पानी फेंक रहा है। तो अब इनका ये पिछले वीक का, जैसे मैंने कहा था ना कल के रिव्यू में कि मंडे का जो कल का एपिसोड था वो हूबहू लास्ट वीक के मंडे एपिसोड का रिकैप था। वहां चप्पल फप्पल चली थी, कल भी हमने देखा थप्पड़ फप्पड़ चल रही है, वल्गैरिटी एकदम। फैमिली ऑडियंस के लिए मैं क्या बोल दूं, कल जो सना और शुक्ला का चल रहा था तो कल का जो एपिसोड आएगा वहां पर पिछले वीक का एक रिपीट टेलीकास्ट होगा। पिछले वीक जैसे विशाल नड़ गया था कि बिग बॉस इनको निकालो या हमको निकालो, तो कल भी वही चीज रिपीट होगी। तो द बॉटम लाइन इज सलमान खान ने इतना समझा लेकिन उसके बाद भी विशाल और मधुरिमा समझने को सुनने को तैयार नहीं है। वही जरीवाला मैडम को तो आसिम के नाम से फुटेज चाहिए बस। अब क्या है कि कल उन्होंने पारस और मायरा की जो हगिंग वगिंग किसिंग थी तो बहुत उनको मन में इच्छा हो रही थी ना, यू नो आई एम क्रेविंग फॉर दैट। एंड आज कह रही कि मुझे तो आसिम से प्यार चाहिए, आसिम से प्यार। आसिम का स्टेटमेंट बहुत अच्छा था, डंकी के चोट पर सीधी बात नो बकवास। विकास गुप्ता के आने से पहले तक वो बहुत ठीक थी, वो ये कहती थी कि आसिम को हक की और चिपकने की जरूरत थी तो मैं हिमांशी के जाने के बाद उससे चिपका करती थी। आसिम कभी नहीं आया आपके पास कि आओ चिपको। कल आप कह रही थी कि आप तड़प रही हो कि कोई आपको किस करे, कोई आपको हक करे, और आज आप कह रही हो कि आपको आसिम का प्यार चाहिए। और आसिम नहीं तो आप इस एपिसोड में शुक्ला से भी बड़ी बड़ी बातें करी थी। चलो आधी रात को जब हम वॉशरूम जाएंगे और वॉशरूम के अंदर गए भी थे तो जरीवाला अव्वल नंबर की मौका परस्त है, मौका परस्त है। इन्हें इन्हें स्टार्ट में देख गया था कि शुक्ला नेगेटिव, क्योंकि बाहर से देखकर आई थी शुक्ला नेगेटिव जा रहा है, तो ये खुद आसिम और हिमांशु के साथ चिपक ली थी। और जैसे ही विकास गुप्ता ने अंदर आकर पता नहीं ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई कि सडनली ये आसिम से बुरी तरह से बिहेव करने लग गई, और वो पारा जो इनके कैरेक्टर पर कोगर फोगर पता नहीं क्या क्या बोलता था, अब वो उसके साथ बैठती है। बताइए, जिस मायरा के साथ लड़ती थी, जिस पारा से पंगा था, अब उसी के साथ ये बैठकर लड़ती हैं। और वो जो कुरकुरे वाली टास्क हुई है कहीं ना कहीं उसके बाद ये शुक्ला के खिलाफ भी बोल रही है कि शुक्ला आपको समझ नहीं है। देखिए, ये जो टास्क हुई थी कुरकुरे वाली, ख्याल चटपटा है विद अ ट्विस्ट वाली, ये जो दूसरी टीम थी पारस माहिरा विशाल और कौन थी यार वो, अरे हंटर वाली कौन थी, मधुरिमा, चप्पल वाली मधुरिमा, इन लोगों के टास्क के अंदर थोड़ा बहुत हमें फन एलिमेंट दिखा था, वो भी विशाल की वजह से। वो जो हाथ में उसने वो क्या पकड़ रखा था, टेडी वेडी क्या था, छोटा सा टॉय टाइप का या जो भी था, वो एक्ट काफी फनी वे में कर रहा था। जब एंट्री ली थी पारस और उसने विशाल ने हेलमेट लगा के स्कूटर के ऊपर, एंट्री काफी अच्छी थी, और भाई बहन वाला ट्विस्ट, टेढ़ा ट्विस्ट भी काफी अच्छा था। तो एक फन एलिमेंट कहीं ना कहीं हम कह सकते कि उनकी उनकी इस एक्ट में था, परफॉर्मेंस में था। वहीं शुक्ला जी की जो टीम थी, जहां पर कि आसिम, रश्मि और सना भी थे, सना स्टार्ट से ही कन्विंस नहीं थी, आसिम भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कन्विंस नहीं है, लेकिन शुक्ला जी ने अपने मन की चलाई और एंड ऑफ द टास्क ये टीम हार गई। देखिए, आपको यहां पर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है, ऐसा शुक्ला जी बोल रहे हैं। भाई एडवर्टाइजिंग तो ऑलरेडी हो रही, क्योंकि पीछे बोर्ड लगा हुआ उसका कुरकुरे का, तो आप कुछ एक्स्ट्रा तो आपको करने की खास जरूरत है नहीं। आप एक फन एलिमेंट पैदा करो ताकि इंटरेस्टिंग हो, और अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप खुद जाकर जजेस को समझा रहे हो, दैट मींस कि आपके कॉन्सेप्ट में कोई क्लैरिटी थी ही नहीं। और जजेस, जैसा कि सना ने बोला, कोई रोहित शेट्टी नहीं बैठा है, आरती जैसे जजेस, जरी वाला, तो भाई ऐसा है कि जब ये टास्क ये लोग प्लान कर रहे थे और सना जिस तरह मतभेद करी थी, और जब मैं ये चीज देख रहा था तो मैंने खुद ने ये इमेजिन किया, ये कर क्या रहे। आप हर चीज को प्यार मोहब्बत ख्यालों की दुनिया फैंटेसी इससे लिंक नहीं कर सकते कि आपने खाया वो दो लड़के मेरे को आके एक इधर किस कराया, इधर किस कराया। यू कैन नॉट प्लान एवरीथिंग अराउंड ठरक बनती। सो आई थिंक शुक्ला को उस जोन से बाहर आ जाना चाहिए एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर और एक फनी वे में चीजों को, हालांकि वो फनी वे में फ्लर्टिंग कर रहा है और काफी हेल्दी फ्लर्ट एंड काफी हेल्दी फ्लर्टिंग भी कर रहा है, साथ ही साथ सना से बाहर की दुनिया के लिए एक्सपेक्टेशंस भी सेट कर रहा है कि बाहर बिजी रहूंगा, इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये जो टास्क थी कुरकुरे वाली, ये टास्क कुरकुरे के एड हम सबने देखे कितने टेढ़े और फनी एड होते हैं। तो मैं मानता हूं कि पारस, माहिरा, विशाल और मधुरिमा की टीम डिजर्विंग थी ये टास्क जीतने के लिए। आसिम, शुक्ला, रश्मि और सना, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं दिख रहा था कि हो क्या रहा है, बिकॉज उसने एक बाइट लिया कुरकुरे का और ख्यालों में चली गई, तो ऐसा दिखना चाहिए ना। बट उसके लिए आपको वीएफएक्स चाहिए, आपको साउंड चाहिए और आपको एनिमेशन चाहिए,
और ये तो वो स्टेज था ही नहीं उन चीजों के लिए, यहाँ तो आपको बोलकर बताना था और काफी बोरिंग काफी मोनोटोनस लग रही थी ये टास्क, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एपिसोड स्टार्ट के 10 मिनट अच्छा रहा वो एलिट क्लब की डिबेट वगैरह, पारस और जरीवाला शुक्ला वगैरह सब काफी अच्छा था, विशाल ने सबको बोलती बंद कर दी कि तुमको, हाँ तुम सबको आसिम से दिक्कत है, पारस मायरा इन सबको, एंड माहिरा तो कहीं ना कहीं एहसान करी थी, पारस भी कहीं ना कहीं सना पर एहसान करा था जो कि सना को चाहिए नहीं था, बात यह है। बाकी तो पूरे एपिसोड में वो चिपकम चिपकी रोमांस फ्लर्टिंग यही सब रूठना मनाना रूठना मनाना रूठना मनाना, यार वी आर फेड अप विद दिस शुक्ला एंड सना का रूठना मनाना, तू हर्ट है तू बात क्यों नहीं कर रहा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी तू बात क्यों नहीं कर रहा, ये चीजें हम कब तक देखी, ये चीज देख देख कर पक चुके, ये चीज मतलब हद है यार हद है। उसके बाद फिर आप बोलते हो कि दूसरे लोग दिखते नहीं, आप दिखाओ तब ना, आप यही चीज रिपीट रिपीट, ऐसा भी नहीं कि कुछ नई बात कर रहे हैं वो लोग, वो यही बात करते थे, तू रूठिया तू बात नहीं करता मेरे से, मैंने ऐसा क्या कर दिया, तू तो वहां जाके बैठता है, ये चीज हम कितने दिनों से देख रहे हैं, वही रिपीट स्टफ आप दिखाते रहते हो, फिर बोलते हो कॉलर को बिठा देते हो तुम तो दिख नहीं रहे हो, अरे तो तुम दिखाओ ना, तुम क्यों हमें वही ओल्ड स्टफ दिखाया जा रहा हो बार बार, जो कि हम देख देख कर हमको प्रिडिक्ट हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेते कि क्या बात हो रही होगी, अगर आप म्यूट भी कर देंगे तभी आपको पता होगा मैं हर्ट हो गई हूं, बदनाम कर दिया ये वो बकवास, अच्छा ठीक है ले ले चार चुम्मी उस पे एक हग फ्री, ये बकवास। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस, ये फैमिली वीक जो आ रहा है जहां पर कि घर वाले आकर मतलब अंदर के घर वालों को, मतलब रियल घर वाले आकर अंदर के घर वालों को आईना दिखाएंगे, और ये जो मोमेंट होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि घर वाले वो सारी बातें कर जाते हैं बिग बॉस के अंदर के घर वालों को जो शायद होस्ट भी नहीं कर सकते, आईना दिखा जाते हैं काफी अच्छे से। तो ये जो आईना दिखाने की प्रक्रिया होगी ये हम देखेंगे कल, घर वालों के जो फीडबैक होंगे, फैमिली वालों के जो फीडबैक होंगे इन घर वालों के लिए, अब कौन सा घर वाला वो फीडबैक अच्छे से यूज करता है और कौन से वो फैमिली वाले होंगे जो कि पिछली बार जैसे रोमिल चौधरी की वाइफ आई थी एक गलत फीडबैक दे गई थी उसका पूरा गेम डिस्ट्रॉय कर गई थी, ये सारी चीजें क्या इस सीजन में भी हमें ऐसे ही चीजें देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड एक बात और कमेंट करके बताइएगा कि आसिम ने चूंकि चैनल का जो प्लान था सिडनास को एलिट क्लब में लाना वो आसिम की वजह से फ्लॉप हो गया, तो कहीं ना कहीं आसिम से डेफिनेटली ये खुन्नस तो निकालेंगे, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है सिडनास को एलिट क्लब में, या फिर अगर मैं आपको सही बताऊं अगर सिडनास एलिट क्लब में आते ना तो ये डायरेक्टली फिनाले वीक के लिए सेफ हो चुके होते, डायरेक्टली आप बनते हैं फिनाले में जाने वाले सबसे पहले कंटेस्टेंट फिनाले वीक में जाने वाले, लेकिन चूंकि आसिम आ गया तो इनका पूरा प्लान बी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो, आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को हैप्पी संक्रांति हैप्पी लोहड़ी हैप्पी पोंगल, आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।